नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका प्रसाद स्वागत करती हूँ आप सभी का चियनगढ़ पर, अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल। यहाँ हम एक प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं 67 बीपीएससी के लिए, बिहार के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम है। और सभी विद्यार्थी जो 67 में अपेयर होना चाहते हैं और अपनी रणनीति तय किए हुए हैं कि हमें बीपीएससी में चयन करना है और आगे सिलेक्शन लेना है, बहुत टाइम कोरोना के बाद ये हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। और क्योंकि हमने जब कभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हमेशा हमने बेसिक से ही शुरुआत की है, तो ये प्रोग्राम भी हमारा बेसिक से ही शुरू होगा। प्रोग्राम की डेट हमारी 5 तारीख से, 5 अगस्त से है, और 4 अगस्त में यानी कि एक दिन पहले आपको पूरा स्केड्यूल हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कॉल करके भी आप ले सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, बेल आइकन बस आप दबा दीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। ये पूरा फाउंडेशन बैच है, सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी इसके साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लासेज सुन भी सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम लेकर के चलेंगे शुरू के फेज में, फर्स्ट स्टेप हमारा प्री से पहले कुछ टेस्ट सीरीज डिस्कशन करते चलेंगे, जो हमारी डिस्कशन रहेगी 5 साल से 10 साल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सामान्य अध्ययन का रहेगा। और क्योंकि ये कंटिन्यू है, स्केड्यूल आपको मिल जाएगा, मंडे टू सैटरडे क्लासें रहेंगी, करंट अफेयर्स आपको पूरा कराया जाएगा जो आपको डे बाई डे प्रोवाइड होगा। आगे की रणनीति जान लेते हैं हम अभय सर से, अभय सर और भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में। आप बिल्कुल बेफिक्र हो करके, क्योंकि हालांकि पढ़ना पड़ता है, एक रणनीति भी तय करनी होती है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ खास रणनीति के तहत, हालांकि मोनिका मैम ने पहले ही आपसे इसके बारे में चर्चा कर लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 66वीं मेंस अभी जारी है और आज सेकंड पेपर हुआ है। और प्रश्न को आप जरूर देखते हैं, जो भी बच्चे तैयारी में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं या रणनीति उनकी होती है या ऐसी इच्छा होती है कि हाँ मैं बीपीएससी में एक अधिकारी के तौर पर अपने आप को स्थापित करूँ, तो आपके पास पहले से ही आप माइंड में होते हैं कि हाँ हमें ये तैयारी करनी है। तो ये जो कोरोना का काल है, कोरोना के काल के बाद हम लोगों ने प्रयास किया है, चयनगढ़ ने प्रयास किया है कि फाउंडेशन बैच के रूप में बीपीएससी की तैयारी कराई जाए। और यहाँ पर जैसा कि मोनिका मैम ने भी चर्चा किया है कि हम लोग पहले प्रीलिम्स को फोकस करेंगे, प्रीलिम्स कम मेंस, मतलब हम दोनों फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स की भी यहाँ तैयारी करवाएंगे, मेंस की भी तैयारी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि आखिरी बीपीएससी है क्या, किस प्रकार तैयारी करना है, सिलेबस क्या होता है उसका, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शनल क्या लेना होता है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं नए बच्चों के मन में, उसको भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। सिलेबस आपको मोनिका मैम के द्वारा समझाया जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हमने आधार बनाया है, विगत 10 वर्षों के प्रश्न जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मेंस में खासकर 10 सालों की तो बात नहीं करेंगे हम लोग, 5 सालों तक के प्रश्न को हम जरूर लेके चलेंगे। आपको जीएस पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चयन के द्वारा एक बार और प्रयास हम लोगों ने किया था, लेकिन अब फिर से 67वीं के लिए हम लोग संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स की भी हम चर्चा करेंगे, मतलब बीपीएससी के करंट अफेयर्स का जो सेशन होगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के बनाया गया होगा, टेस्ट सीरीज के रूप में आपको हम डेली उसको हम आपसे चर्चा भी करेंगे, मेंस के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। और शुरुआत में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि पहले के जो प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा कर ले, फिर फाउंडेशन बैच में जीएस पेपर 1 के जो सब्जेक्ट है टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाएंगे भी, प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं साथ में उसको भी लेकर हम चलेंगे, ताकि आपका ये जो आपके बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि प्रश्न कैसे लिखा जाए, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो टॉपिक को विश्लेषण करने के साथ ही प्रश्न को भी जरूर दिखाएंगे कि देखिए इस टॉपिक से जो आपको मैंने पढ़ाया यहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप में ये संतुष्टि का अभाव भी हो कि जो हम पढ़ पा रहे हैं या चैनल के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, वो हमें अपेक्षित सफलता दिला सकती है। तो ये मान के चलना है कि हम लोगों का ये प्लान इस प्रकार जो हम चलेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाली है।
और ध्यान रखिएगा बीपीएससी को लेकर बहुत सारे बच्चों की तैयारी होती है, मैं बिहार के ही बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश अन्य स्टेट लेवल के जो बच्चे होते हैं वो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो भाषा का कोई यहाँ बर्डन या हर्डल नहीं है, हम दोनों भाषा में खासकर इंग्लिश और हिंदी दोनों को आधार बनाकर दोनों का सहारा लेकर हम टेस्ट सीरीज का आयोजन करेंगे। अभी फिलहाल हम टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अगर आपके आसपास और भी अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनको भी जरूर बताइएगा कि चयनगढ़ के द्वारा आपको ये प्रदान किया जा रहा है। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ आपको करना नहीं है, यूट्यूब पर जाना है, जैसे कि आपको मैं पीछे दिखाऊँ चयनगढ़ का ये आप लोगो देखेंगे, चयनगढ़ में जो कॉन्टैक्ट नंबर है पहले से आप कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर ऑफिस में इनरोल करा सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, यहाँ पर कोई शुल्क आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो पहले आप इनरोल कराइए ताकि हमारे पास हो जाए कि हाँ इतने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक जो टाइमिंग मैम ने आपको बताया कि 5 अगस्त से हम लोग एक टाइम फिक्स कर देंगे, वहाँ तब मैं बताऊँ कि शेड्यूल्ड के बारे में, शेड्यूल्ड की बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात करें या रणनीति की बात करें, तो उसकी चर्चा हम वहाँ भी आपको एक बार फिर से करेंगे जब हम प्रारंभिक खासकर आपसे इंट्रोडक्टिव क्लास में जब आपके सामने उपस्थित होंगे वहाँ भी इसकी हम चर्चा कर रहे होंगे। वहाँ ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और बच्चे जो नए नए बच्चे इसमें जुड़ेंगे उनको भी कुछ सुविधा प्रदान हमारे तरफ से कराया जाएगा। ध्यान रखना है कि आप एक टारगेट फिक्स करके चलिएगा, 66वीं बीपीएससी अब लगभग समाप्त है, 67वीं का नोटिफिकेशन जैसा कि पेपर में दिखाया गया 15 अगस्त के बाद संभावित है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप तैयारी करेंगे, उससे पहले ही आप तैयारी में संलग्न हो जाए। एक बार आप ये तय कर लीजिए कि 66वीं बीपीएससी आपको क्रैक करना है, तो तैयारी का जो दौर होगा 6 या 7 महीने का ये समय होता है। 6-7 महीने में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस करेंगे, जब प्रीलिम्स की घोषणा हो जाएगी, डेट शीट आ जाएगा, उसके बाद प्रीलिम्स स्पेशल भी हम लोग क्लास कराएंगे। करेंट अफेयर से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हम लगातार लेकर चलेंगे, वीकली भी करेंट अफेयर कराएंगे, मंथली भी करेंट अफेयर कराएंगे, और डेली करेंट अफेयर को अपडेट करने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जाएगा। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया है छात्र हित में, खासकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी है उनके हित में ये चयनगढ़ के द्वारा एक संयुक्त प्रयास है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे इस कार्यक्रम में अपने आप को एनरोल करेंगे उनका लाभ जरूर होने वाला है। और बहुत ही एक निश्चित एक फिक्स टाइम के साथ एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत यहाँ पर हम लोग के द्वारा की जा रही है। ऐसा है कि हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है आपको जरूर इससे लाभ होने वाला है। भविष्य में जो आपने टारगेट फिक्स किया है, समर्पित अधिकारी के रूप में आप स्थापित होना चाहते हैं, आयोग के एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, तो वो सभी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति में चयनगढ़ आपकी हर संभव मदद करे, इसकी आशा आप रख सकते हैं, और हम भी विश्वास करते हैं कि आपका साथ हमें मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल इंतजार नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ चयनगढ़ से आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप भी हैं, उस पर भी आप भी इनरोल कर सकते हैं, इनरोल ले सकते हैं, और भी आसपास के बच्चे हैं जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए एक प्रयास खासकर बीपीएससी परीक्षा के लिए जो हम कर रहे हैं उसको सफल बनाया जाए, आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सभी का इस चैनल में हमेशा स्वागत रहा है, ये आपका अपना चैनल है, ये मान के चलिए आप इसके सदस्य हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए, ताकि भविष्य में आप एक जो सपने को बुन कर पाए हुए हैं, या आपका जो सपना है प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, सरकारी नौकरी का, जो प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी का आप सपना सही रखते हैं, उसकी पूर्ति हो सके। तो चलिए मेरे तरफ से और मोनिका मैम के तरफ से, दोनों की तरफ से आपको फिर से मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम 5 अगस्त के फाउंडेशन बैच में, 4 अगस्त को इसके ड्यूल्ड आपके पास होंगी, 5 अगस्त से हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।